ये आवाज एक बार फिर से घर घर में सुनाई देगी। वो अमिताभ का नमस्कार कहना, वो अमिताभ का कंटेस्टेंट को खुद जाकर सीट पर बिठाना, वो तीन लाइफ लाइन्स का ऑप्शन, वो अमिताभ को देखकर कंटेस्टेंट्स का भावुक होना, ये सब याद है ना आपको। अब ये आवाज आपके घर में हर रात एक बार फिर से गूंजेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि केबीसी टीवी पर वापस लौट रहा है। जी हाँ, कौन बनेगा करोड़पति का 16th सीजन फिर से दस्तक दे रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लेकिन खबर ये नहीं कि केबीसी वापस लौट रहा है, खबर ये है कि 81 साल के अमिताभ बच्चन इस शो को कैसे शूट करते हैं। तो आपको बता दें कि इस शो के लिए होस्ट अमिताभ बच्चन अपनी 6 महीने की डेट्स देते हैं। उनकी डेट्स के मुताबिक शो की शूटिंग का प्लान बनता है और इसी वक्त में प्रोडक्शन वाले अपना पूरा शो शूट कर लेते हैं। अब ये तो आपको पता ही है कि ज्यादातर लोग इस शो को सिर्फ और सिर्फ अमिताभ के लिए ही देखते हैं। जैसे कि सेट पर अगर कोई डर जाए या रो पड़े तो टिश्यू देना, फिर उस टिश्यू को अपने पास प्यार से रख लेना, उनके बोलने का अंदाज, उनका स्टाइल, गेम के दौरान लोगों का हौसला बढ़ाना, लाइफलाइन के दौरान लोगों से बात करना, अमिताभ की इन्हीं अदाओं के लोग दीवाने हैं। इसीलिए जब भी ये शो शुरू होता है तो लोग इसे बड़े ही चाव से देखते हैं। आपको बता दें कि शूटिंग शुरू होने से 4 घंटे पहले बिग बी सेट पर आ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि एक दिन में 2 एपिसोड शूट हो जाए। इन 2 एपिसोड के बीच अमिताभ 3 से 4 घंटे का ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक में वो ज्यादातर सेट पर आराम करते हैं, कभी कभार अपने दूसरे प्रोजेक्ट की मीटिंग भी इसी ब्रेक में निपटा लेते हैं। अमिताभ की एक खास बात है कि वो बेसिक स्क्रिप्ट पढ़कर ही सेट पर आते हैं ताकि स्क्रिप्ट रीडिंग में वक्त बर्बाद ना हो। बिग बी अब भी इतने एक्टिव हैं कि लोगों को इनसे सीखना चाहिए और काम ना करने के बहानों से दूर रहना चाहिए। अमिताभ यूं ही नहीं बॉलीवुड के शहंशाह बन गए हैं। कुछ तो खास है इनमें जो इनको बाकियों से अलग बनाता है और ऊपर से इतने साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस। वैसे ऑडियंस के अलावा तकरीबन 100 लोगों की टीम सेट पर मौजूद होती है। इनमें अमिताभ बच्चन के स्टाइलिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, कैमरामैन, लाइटमैन, स्पॉट बॉय, मेडिकल टीम, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सभी शामिल होते हैं। आपको बता दें कि केबीसी 16 का आखिरी दिन रजिस्ट्रेशन का 7 मई 2024 है और 24 मई से लेकर 9 जून तक कंटेस्टेंट के पर्सनल इंटरव्यू और जनरल नॉलेज टेस्ट होंगे। फिर अगस्त 2024 में केबीसी 16 का पहला एपिसोड टेलीकास्ट किया जाएगा। तो अब तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो जल्दी से कीजिए और बैठ जाइए अमिताभ के सामने हॉट सीट पर। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।